नमस्कार, मैं हूं श्रेय आर्य और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मेरे साथ हैं सौरभ और हाजिर हैं हम दोनों आपके लिए आज की मॉर्निंग अपडेट्स लेकर। तो स्पोर्ट्स की मॉर्निंग अपडेट्स में सबसे पहली खबर यही है कि मोहम्मद रिजवान ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि भारतीय खिलाड़ी भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मोहम्मद फिलहाल के लिए काउंटी क्रिकेट का हिस्सा थे, काउंटी क्रिकेट में खेल रहे थे जहाँ पर चेतेश्वर पुजारा भी मौजूद थे। और ये कहा जा रहा है कि चेतेश्वर पुजारा ने उनके जन्मदिन पर उन्हें जो बधाई दी है उसको लेकर वो काफी ओवर एक्साइटेड हो गए रिजवान। और उस ओवर एक्साइटमेंट में रिजवान ने ये बात कह दी कि भारतीय क्रिकेटर भी अभी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हालांकि भारत की तरफ से इस तरह की किसी भी बात पर कोई भी बयान नहीं दिया गया है, कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं किया गया है। इस समय फिलहाल के लिए सिर्फ मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि भारतीय क्रिकेटर भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि पाकिस्तान की ओर से काफी बार भारत के साथ सीरीज करने के कहा जाता है, क्योंकि केवल वर्ल्ड कप के दौरान ही या कोई भी विश्व कप हो 50 ओवर का या फिर T20 विश्व कप हो या एशिया कप हो, उस दौरान ही ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की ओर से कई बार देखा गया है कि वो भारत के साथ कोई एक सीरीज करने के लिए हमेशा उनकी एक डिमांड रहती है कि हमें भारत के साथ सीरीज खेलनी है। इसी के चलते उन्होंने भी ये अपना बयान दिया है। हालांकि भारतीय फैंस, जैसे अभी श्रेय ने बताया, ना कोई भारतीय क्रिकेट में ओर से, ना केवल भारतीय बल्कि भारतीय फैंस भी इस चीज की उम्मीद नहीं करते कि पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज हो। तो ऐसे में मोहम्मद रिजवान का कहना, और साथ साथ श्रेय ने जैसे बताया भी, हाल ही में उनका बर्थडे था तो चेतेश्वर पुजारा जो उनके साथ काउंटी टीम का उनके हिस्सा थे तो उन्होंने उनको बर्थडे विश की थी। हो सकता है उसी ओवर एक्साइटमेंट में उन्होंने इच्छा जाहिर करते हुए कहा हो कि हमें भी उम्मीद है कि भारत जो है भारत में काफी क्रिकेटर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की इच्छा जताते हैं। हालांकि उन्होंने इसमें कोई नाम भारतीय क्रिकेट का सामने नहीं किया। हालांकि भारतीय क्रिकेटर का किसी भी नाम सामने नहीं आया है। हम पुजारा की बात बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में पुजारा ने उन्हें विश किया था और ऐसा कहा जा रहा है कि ओवर एक्साइटमेंट में, उस बर्थडे विश के ओवर एक्साइटमेंट में आकर रिजवान ने कहीं ना कहीं ये बयान जारी कर दिया है। हालांकि एक बात यहां पर ऐसी भी है कि भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि फिलहाल के लिए पाकिस्तान के साथ हमारा देश कोई भी या हमारी टीम कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेगी। जब तक हालात को सामान्य नहीं किया जाता है, बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया जाता है, तब तक भारत की तरफ से कोई भी क्रिकेट, जो बायलैटरल क्रिकेट है, ICC के टूर्नामेंट जो होते रहते हैं, वहां जो शेड्यूल और फिक्स्चर बनते हैं वहां पे तो मैचेस खेले जाएंगे सौरभ, लेकिन जो बायलैटरल सीरीज है जिसकी बात रिजवान कर रहे हैं उसमें कोई भी अभी किसी तरह की कहते हैं एक तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी है, कोई परिणाम ऐसा नहीं निकल कर आया है जिसमें तय हो सके कि हाँ सीरीज होने ही वाली है। और सौरभ एक बात और, जो डायलॉग है दोनों देशों के बीच में, जो बातचीत है, अगर इंडस वाटर ट्रीटी को हटा दें तो फिलहाल के लिए किसी भी मोड़ पर दोनों देश एक साथ बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर यह भी देखना होगा कि जब तक हालात में सुधार नहीं आते हैं तब तक क्रिकेट भी आगे, खासकर जो बायलैटरल सीरीज है वो भी आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, और अगली खबर हमारी ये है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में टेस्ट चल रहा है, ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट चल रहा है। और वहां पर न्यूजीलैंड अपनी पहली पारी में 9 रन की मामूली लीड ले पाई थी, जहां पर हुआ यह था कि न्यूजीलैंड 132 रन बना पाई थी। और पहले ही दिन इस टेस्ट में सौरभ 17 विकेट गिर चुके थे। पहली पारी लगभग समाप्त हो चुकी थी, इंग्लैंड की पारी जब आई तो उनके भी 7 विकेट गिर गए थे पहले। ऐसा लग रहा था कि ये मैच कहीं ना कहीं तीसरे या चौथे ही दिन जाकर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में वापसी की है टीम ने। और हुआ दरअसल ये है कि इंग्लैंड ने पहली पारी में 141 रन बनाए, उसके जवाब में अब जाकर यहाँ पर उनके बल्लेबाज न्यूजीलैंड ने अच्छी वापसी कर लिया यहाँ पर मैदान पर, और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जिस तरह से गेंदबाजी टीम सऊदी ने की थी, 4 विकेट निकाले थे, यहाँ पर काइल जेम्सन ने न्यूजीलैंड के लिए 2 विकेट निकाले थे, क्या आज का जो दिन, अगला जो दिन अब शुरू होगा, आज का दिन जब ये लॉर्ड्स टेस्ट में शुरू होगा तो वहां पर कोई फायदा हो पाता है या नहीं श्रेय? लेकिन दोनों टीमों में देखे तो न्यूजीलैंड जो है, इंग्लैंड में ये सीरीज चल रही है, 2 मैचों की टेस्ट सीरीज है, लॉर्ड्स के मैदान में पहला मैच खेला जा रहा है। तो जहां देखे तो न्यूजीलैंड ने जो पहले बल्लेबाजी की थी उसमें अच्छी उनकी लय देखने को मिली नहीं। इंग्लैंड के जो दिग्गज गेंदबाज, उन्होंने टेस्ट में अपनी वापसी की थी, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स हेंडरसन, और उन्होंने एक बार आके अपने जो जिसके लिए वो दोनों जाने जाते हैं उन्होंने पूरा अपना अनुभव जो है अपनी गेंदबाजी में दिखाया और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी को पूरी धज्जियां उड़ा दी। 132 जो है न्यूजीलैंड की टीम ने बनाई थी, लेकिन जवाब में ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम अपने घर में खेल रही है, उसको बैटिंग कंडीशन में काफी फायदा मिलेगा। लेकिन न्यूजीलैंड ने भी कहीं हार नहीं मानी और उनके गेंदबाज सऊदी ट्रेंट बोल्ट और साथ साथ काइल जेमिनसन जो इंग्लैंड के बल्लेबाज जो अपने घर में बल्लेबाजी कर रहे थे उनकी भी पूरी धज्जियां उड़ा करके मात्र 141 रनों पर उनको रोक दिया। जैसे भी श्रेय ने बताया, महज 9 रन की ही पहली पारी में इंग्लैंड की टीम जो अपनी लीड हासिल कर पाई थी। लेकिन दूसरी इनिंग में
जो है न्यूजीलैंड की टीम अच्छी खासी वापसी कर चुकी है और एक बड़े लीड और बड़े टारगेट की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल, और बड़े लीड और बड़े टारगेट की ओर बढ़ रही है और हमारी नजर होगी कि इस टेस्ट में कौन जीत कर निकलता है। लेकिन एक टेस्ट जिसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी और तोड़ दिया था गाबा का घमंड, वो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब एक युवा भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की पकी पकाई और सीनियर प्लेयर से भरी हुई टीम को हरा दिया था। और उसके बाद अब खबर ये है कि उसी जीत पर अब एक डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही है। श्रेय, वो तो खैर सभी भारतीय फैंस को याद होगी, जितने भी क्रिकेट फैंस है या कहीं पूरे विश्व भर में जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं सबको वो गाबा का टेस्ट जरूर याद होगा। खासकर ऋषभ पंत की उसमें जो अहम पारी थी, शुभमन गिल ने ओपनिंग में अच्छी खासी पार्टनरशिप की थी। लेकिन भारतीय टीम पर अगर हम ओवरऑल भारतीय टीम पर आएँ तो एक युवा टीम जो है, हम उनको ये भी कह सकते हैं, एक सी ग्रेड की टीम आई थी ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों के सामने, ठीक है, जिसमें भारतीय टीम में काफ़ी युवा खिलाड़ी थे, इनमें से कुछ ने तो अपना डेब्यू भी किया था। तो उस तरीके से भारतीय टीम ने आकर के ऑस्ट्रेलिया के सीनियर बल्लेबाज, सीनियर पूरी टीम जाए, एक साइड देखे तो स्टीवन स्मिथ, डेविड वॉर्नर, साथ साथ देखे तो टिम पेन टीम के कप्तान थे उस टाइम में, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ये सब टीम का हिस्सा थे। उसके बावजूद एक भारतीय टीम के युवा टीम जिसमें देखे तो अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की थी, एक अनुभव कप्तान वही थे टीम के, हालांकि उस टीम में देखे तो चेतेश्वर पुजारा भी थे, लेकिन कई युवा खिलाड़ियों की जैसे मैंने बात की है उसमें देखे तो नटराज टीम का हिस्सा थे, साथ सुंदर थे, सिराज थे, ये जी हाँ बिल्कुल। तो उस तरीके से अगर उसके बावजूद जो भारतीय टीम ने जैसा इस सीनियर टीम के खिलाफ जो प्रदर्शन दिखाया था गाबा के मैदान पर, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था और डॉक्यूमेंट्री बन रही है, तो एक भारतीय टीम के लिए एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी मैं इसको कहना चाहूंगा। बिल्कुल, भारतीय टीम न सिर्फ भारतीय टीम बल्कि भारतीय फैंस के लिए भी एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड होगा। लेकिन एक रिवॉर्ड जो विश्वनाथन आनंद ने हमें पहले ही दे दिया है वो ये कि नॉर्वे में जो चैंपियनशिप चल रही है चेस की, उसमें जीत हासिल कर ली और विश्वनाथन आनंद के लिए यह लगातार तीसरी जीत है इस टूर्नामेंट में। और इस जीत के साथ 7.5 अंकों के साथ अब विश्वनाथन आनंद फिलहाल के लिए पॉइंट्स टैली में टॉप कर रहे हैं। जी हाँ श्रेय, ये 52 वर्षीय भारतीय टीम का दिग्गज चेस खिलाड़ी, बात करें विश्वनाथन आनंद की, जिन्होंने भारतीय टीम को पिछले कई सालों से जो है चेस में काफी नाम किया है, हमें एक बार फिर से इनका उसी तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जिसके लिए विश्वनाथ आनंद जाने जाते हैं। आपको बता दें कि 29 चालों तक की जो गेम रहा था उसमें ये मैच जो है ड्रॉ में समाप्त हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है 44 चालों तक की गेम चला जिसमें आनंद ने बाजी मारी और फ्रांस के खिलाड़ी को हरा करके एक बार फिर से जो है अपना जो पलड़ा भारी रखा है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जितना उनको अनुभव है उन्होंने इस चेस के मैच में उनसे देखने को मिला। बिल्कुल, अगली खबर और आज की अंतिम खबर जो है वो फ्रेंच ओपन से आ रही है, लॉन टेनिस के कोर्ट से आ रही है, और इसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि 23 साल के कैस्पर रूड ने धमाका कर दिया और इतिहास रचते हुए अब वो इस ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि इस ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहले ही राफेल नडाल पहुंच चुके हैं और अब कैस्पर रूड का उनके साथ मुकाबला होने वाला है। यहां पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूड के लिए नडाल अपने आप में एक आइकॉन है, वो उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, अब उन्हीं के सामने उन्हें ग्रैंड स्लैम का, इस ग्रैंड स्लैम का फाइनल खेलना है। जी हाँ, उनके लिए काफी एक प्राउड मोमेंट हो सकती है या कहीं होगी, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने अपने करियर में पूरी मेहनत की है, आज जिसको देख करके उन्होंने ये चीजें खेलनी सीखी हैं, वो ये आज उसी के सामने देख रहे, इतना बड़ा टूर्नामेंट का वो फाइनल खेल रहे हैं। वो राफेल नडाल को जो अपने आइडल मानते हैं तो आज उन्हीं के खिलाफ वो अपना फाइनल खेलने वाले हैं। राफेल नडाल तो इस गेम के पहले दिग्गज माने जाते हैं, जहाँ उन्होंने अब तक आपको बताया कि 29 बार इस टाइटल को जीत चुके हैं, तो ऐसे में उनका देखने वाला होगा कि वो इस टाइटल में जो एक बार फिर से फाइनल में पहुंचे तो 30 बार उनका टाइटल जो वेट कर रहा है। लेकिन एक युवा खिलाड़ी जो इस टूर्नामेंट में अब तक अच्छा प्रदर्शन करता है, हम उम्मीद करें कि एकदम जो है कड़ा चैलेंज उनसे देखने को मिले। बिल्कुल, कड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि ये जो क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ था वहां पे भी काफी कड़ा मुकाबला हुआ था, क्योंकि रूट को जीतने के लिए इस गेम को 3-6, 6-4, 6-2 और 6-2 के सेट में ले जाना पड़ा था, उसके बाद ये 4 सेट के बाद उन्हें जीत मिली थी। तो फिलहाल के लिए आज के इस मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही, मुझे और सौरभ को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें।